रियासत महाराष्ट्र के अकोला के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे की निकासी और साफ सफाई के इकदाम न करने के सबब शहर भर में कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं और दूसरी जानब मौसम बरसात के सबब पानी मकानात में दाखिल हो जाने की इतलात भी मौसूल हो रही है। महकमा वजिया की लापरवाही से अकोला की अवाम को ईद उल अजहा के मौके पर भी मुश्किल पेश आ रही है। बताया गया है की इलाके मासूम शाह अहाता और अकोट फेल की अवाम कचरे की अदम निकासी व दीगर बल्दी मसाइल से जूझ रही है। अवाम के मसाइल को देखते हुए अकोला ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम देकर बकरीद के जमन में शहर की साफ सफाई के इकदाम और कचरे की निकासी समेत मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होने वाले बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाने के इकदाम का मुतालबा किया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करने वालों में इरफान खान, आसिफ अहमद खान, चांद खान, जावेद खान, राजभाई, शेख हमजा, शेख नदीम, सैयद जहीर, अब्दुल नासिर व दीगर शामिल हैं। एमआईएम के इस वक्त ने अवाम के मसाइल से तफसीली तौर पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर को वाकिफ करवाया और उन पर जोर दिया कि वो जल्द अज जल्द इन तमाम मसलों को हल करें। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकोला यूथ यूनिट की तरफ से माननीय उपायुक्त साहब को एक निवेदन दिया गया। इस निवेदन में अकोट पहल की समस्या को लेकर प्रभाग नंबर 1, प्रभाग नंबर 2, प्रभाग नंबर 3 और प्रभाग नंबर 4 इन सभी प्रभागों की नाला साफ सफाई को लेकर एक निवेदन दिया गया। इस निवेदन में मांग की गई कि आने वाली बरसात से जिस एरियो को बहुत ज़्यादा पानी बरसात के पानी से तकलीफ़ उठाना पड़ रहा है वहाँ की आवाम को, इस आवाम की समस्या को दूर करने के लिए ये निवेदन दिया गया और इस निवेदन में मांग की गई कि जल्द से जल्द वहाँ के नागरिकों को इंसाफ दिया जाए और इसकी पानी की निकासी की जाए, अन्यथा अकोला एमआईएम की ओर से जल्द ही आंदोलन किया जाएगा।